या करना बोलो या करना सही। ये जो पीडीएम की ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये लगातार इस तरह हमारे पार्टी के लीडरशिप को और हमारे वर्कर्स को इस तरीके से इन्होंने एक ड्रामा शुरू किया हुआ है और ये फेक एफ आई आर दिए जा रहे हैं। और हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब को लीडर को भी इन्होंने तकरीबन 150 से ज़्यादा एफ आई आर दी। इस तरह मुझे भी इन्होंने 50 मालूम और नामालूम एफ आई आरों में इन्होंने मुझे नामजद किया हुआ है। लेकिन इन तमाम एफ आई आरों में मेरी बीवी हो चुकी है या मेरी एफ आई आर क्वेश हो चुकी है या मेरा केस अंडर ट्रायल है, कोई भी ऐसी चीज़ मेरे खिलाफ नहीं है जिसे मुझे गिरफ्तार किया जाए। तो मैं बता रहा था कि अपने केसेस के लिए जब पेश होता हूं तो ये पुलिस जो है ये मेरे ऊपर मौजूद ही थे कि इनके पास कोई ना वारंट थे ना इनके पास मेरे खिलाफ कोई एफ आई आर थी। ये मेरे पे छापे लगाते रहे, मेरे दोस्तों के घर छापे लगाते रहे, हमारे वर्कर से घर छापे लगाते रहे, पीटीआई के लीडरशिप के घर छापे लगाते रहे, मेरे घर छापे लगाते रहे बार बार। अब ये पोजिशन है कि जाहिर बात है मैंने अपने केसेस पेश तो होना है और मैं चूंकि अदलिया पर हमें एतमाद भी है और अदलिया पर हमें फख्र भी है और हमने उसी का इशारा लेना हमारा फंडामेंटल राइट है। तो पुलिस जो है इस तरीके से अब बाहर आके पहले मुझे पेश नहीं होने दे रही थी, उसके बाद जब अंदर पेश हुआ तो बाहर आके निकलने नहीं दे रही थी, टाइम गेन कर रहे थे, उसमें टाइम ज़ाया कर दिया। मुझे वहाँ से बीबीए मिली हुई है उस केस में, ना एफ आई आर दिखा रहे हैं ना वारंट दिखा रहे हैं और खड़े हैं यहाँ पे कि हम गिरफ्तार करेंगे। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये इमरान खान की जो जंग है, ये इस कौम की आज़ादी की हकीकी आज़ादी की जंग है, इसी चीज़ की आज़ादी की जंग है कि अगर किसी शहरी के पास किसी बंदे के पास अपने फंडामेंटल राइट ही ना हो तो कैसे एक आज़ाद मुल्क है ये। तो इंशाल्लाह हम इस जंग में खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, इंशाल्लाह मेरा पूरे पाकिस्तान को पैगाम है कि इंशाल्लाह हमने पीछे नहीं हटना और हमने इंशाल्लाह मुकाबला करना है इस चीज़ का ताकि हम वो आज़ादी जो हकीकी आज़ादी है हमारी इंशाल्लाह हासिल कर सकें। थैंक यू।